नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस झराफुल मृत्यु घटनारु उठुनी सस्पेंस होई पारलानी सीन रिक्रिएशन अभियुक्त राकेश सिन्हाटो परिपालानी स्थान 3 दिनिया रिमांड रे नै खोलतार करुछि पुलिस। भुवनेश्वर बंचेश्वर में नकली मृदुपानी कारखाना ठाप विभिन्न नामीदामी ब्रांडर स्टिकर लगाई बाजार को छोड़ा जाउथला स्पेशल स्क्वाड रो चढ़ऊ विपुल परिमाण सॉफ्ट ड्रिंक्स जबत। फेब्रुआरी 10 रु आरंभ हो पीजी क्लास उच्चशिक्षा मंत्री अरुण साहू को सूचना प्री फाइनाल इयर क्लास आरंभ हो 8 रे खोल हॉस्टल कोविड गाइडलाइन मानी हो पाठपढ़ा। हाईकोर्ट में पहुंचला नेताजी बस टर्मिनाल विवाद खानगर श्मशान काली तीन एक संपत्ति उपरे स्थितावस्था जारी कले हाईकोर्ट मुख्य शासन सचिवों समेत आदि सी कट जिलापाल को करागला आईआरसी भिलेज स्कूल में बस्ती पिला प्रधान शिक्षयित्री फेल कर घटना स्कूल सामने धारणा छात्र छात्री जोर जबरदस्त उठाइबा पुलिस उद्यम केबे हेबो दीदी विरोध में आक्शन। स्वाभिमान अंचल चाषी को प्रतारणा बंडी अव्यवस्था नहीं रास्ता उपरे धान बस्ता सह चाषी बालीमेला मलकानगिरी 47 नंबर राज्य राजपथ अवरोध प्रशासन निरवता को नहीं प्रश्न। एवं मलकानगिरी सीमांत छत्तीसगढ़ में माओवादी बड़ धरणर योजना पंड जवान को टार्गेट कर खंजी लैंडमाइन निपा जंगल 5 किलो ओजन लैंडमाइन उद्धार। बुलेटिन आरंभ करिबा वर्तमान समय एक बड़ खबर मानवप्रेमी आदित्य दास मृत्यु मामला ए मामलें प्रति जवाब दाखल आवेदनकारी को निर्देश देले हाईकोर्ट सरकार को पक्षर दाखल तदंत तो मेडिकल रिपोर्ट आधार में प्रति जवाब दाखल निर्देश देखते हाईकोर्ट मानवप्रेमी आदित्य दास मृत्यु मामलें सीबीआई तदंत तो दाबी हाईकोर्ट में दायर होता मामला सीबीआई तदंत पर हाईकोर्ट निर्देश दिंतु बोली आदित्य पर लोके आवेदन करते तेज मामलार शुणी करी हाईकोर्ट आवेदनकारी जवाब दाखल निर्देश देते आसंता 26 रे मामलार परवर्त शुणा हो विश्वजित दास आम कट प्रतिनिधि आम सहित लाइव जोड़ विश्वजित जो भाई भाव मानवप्रेमी आदित्य दास मृत्यु को नहीं वर्तमान सुधा से स्पष्टोक्ति आसीना ही वर्तमान सुधा से रहस्य रहस्य घेरे रही एपटे पर लोकों सीबीआई तदंत तो दाबी यार भितर बारंबार कोर्ट गोटे पर गोटे तारीख गुंचे चलते आज अपडेट कौन आसुची विश्वजित निश्चित भाव में निवेदिता बहुत चर्चित मानवप्रेमी आदित्य दास मृत्यु मामला देखा 7 मास बीतीगला कारण स्पष्ट हो पारना आदित्य दास मृत्यु किभली घटला हत्या ना आत्महत्या एने के कहवा क्राइमब्रांच तदंत करुँ क्राइमब्रांच तदंत करने समय जे पर लोक अच्छे आदित्य माँ बापा से हाईकोर्ट द्वारा होते कि सीबीआई तदंत कर क्राइमब्रांच पर भरोसा ना से सीबीआई तदंत करने से हाईकोर्ट द्वारा होते अधिक आलोचना कराया सहित आवेदन कर वकिल अच्छा व्यमकेश त्रिपाठी सर आज हाईकोर्ट शुणा था आदित्य दास मृत्यु मामला प्रसंग आज कौन हाईकोर्ट राय दे देखो आ पूर्व आम पूर्व तारीख में जोटा थी तार जो स्टेटमेंटा ये जो आम स्टाटस रिपोर्टा जोटा देखने गला डेट्रे सबमिट कर देते से स्टाटस रिपोर्ट उपरे कौन कौन तर लाकुना थी से आज मान्यवर कोर्ट को आम हाइलाइट कलु जनइलु जदि आम प्रथम जिनसटा आप कह जो शब शब जो दिन जो पिलाटी जो दिन एक्सपायर्ड कर शब जो दिन जबत करागला से कौन एफआईआर ही नाला आप देखिए एफआईआर पूर्व जदि गोटे कौन सा गोटे अनक्लेम डेड बॉडी मिले मैंने आज पर दि लॉ ऑफ 176 सीआरपीसी क्लज 1 एंड क्लज 2 सर क्लियर मेंशन है जे जने मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उपस्थित जनइबे शब जदि दरकार पड़े शब भी सीट रुलिस जगिक र जड़े मजिस्ट्रेट उपस्थित शबटा को जबत करा जड़े मजिस्ट्रेट उपस्थित शबर पोस्टमार्टम करा जोटा को ये करना जोटा को आम मान्यवर कोर्ट को आज जनइलु और द्वितीय जिनस देखिए शब जितने जबत कराइला तभी रिपोर्ट में लिखाई तीन जन साक्षी उपस्थित आम शबटा को जबत करूँ किंतु जो दस्खत कर दुईज लोक दस्खत करवर कोर्ट को आज आम जनइलु और तृतीय जिनस देखिए तो जो डॉक्टर जो मेडिकल रिपोर्ट आसी क्लियर मेंशन है यह हत्या ना आत्महत्या तार स्पष्ट
जमापड़ी एवं आउ गोटे जिनस जदि कहे सबटा गणमाध्यम गणमाध्यम से प्रेजेन्ट था से साधारण पब्लिक प्रेजेन्ट थे आज मेनसन कर दसटा बेले सबटा को आम जबत कलु आउ गोटे जिनस आज मान्यवर कोर्ट को जनइलु जोटा जो क्राइम ब्रांचर जो आडभोकेट लड़ेन ट्रेन जोटा से कहले जेहेतु आदित्य दासंकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्टा को जबत कर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे सॉरी जो आम जो सुइसाइडल नोटा को जोटा कथा कहुच्छे सुइसाइडल नोट रे क्लीयर मेनसन हो मो मृत्युपाई कहीं दायी ना तेणु ये मामला सीबीआई जार कौन आवश्यकता ना आम से कहलु मान्यवर कोर्ट को दृष्टि आकर्षण कलु आज्ञा तार ठीक नेक्स्ट पेजटा को आप देखु तरह क्लीयर मेनसन अच्छी जेहेतु मोर देशपाई किसी कर बहुत आग्रह था पदविरोधी आंदोलन संगे जड़ित थी और तृतीय लाइन लेखाई है सरकार विरोध में जो मैंने स्वर उत्तोलन करेंगे सरकार बंचाप दिना आराम करदे ये जो गोटे गोटे पॉइंट को मान्यवर कोर्ट को आज हाइलाइट कर देचु जोटा मान्यवर कोर्ट मतलब हृदयंगम करमको डायरेक्शन देखते आम जेहेतु आमको आज डायरेक्शन दिखाई जे आम जो जिनसा हाइलाइट कलु मान्यवर कोर्ट को जनइलु सब गुड़ा गोटे रिटर्न स्टेट अफ आर्गुमेंट कौन कौन आम कहलु कौन कौन रही सब रेकर्ड अनुसार गोटे आफिडेविट मध्यम मान्यवर कोर्ट को देवु और आउ गोटे जिनस आज आम मान्यवर कोर्ट को जन कही रिहा चक्रवर्ती केस जो भाई भाव में जो मिसकंडक्ट होता जो गुड़ाक आप इन्वेस्टिगेशन जो प्रक्रिया जोटाक ठीक से करा सुप्रीम कोर्ट तक हैंडओवर कर सीबीआई इनक्वारी करा दिस इज ए फिथ केस फर द सीबीआई बोली आम मान्यवर कोर्ट को आज प्रार्थना कर जोड़ा एक कथा गुरुत्वपूर्ण कहते जो पोषण जबत जो बडी से मजिस्ट्रेट उपस्थित नथिले पोषण हेला बेले मजिस्ट्रेट उपस्थित नथिले आउ गोटे कथा मतलब जुक्ति बाड़ी थे कि तीन जन साखी थे कि दस्खत दुई जन मारी ए नहीं कि कौन कह क्राइमब्रांच कोर्ट ना कोर्ट दिगहरा कर देखो आम जी कह प्रथम घटनाटा क्राइमब्रांच इनभेस्टिगेसन कर जो आप जो जो जिनस गुड़ा घटी एगुड़ा क्राइमब्रांचर किसी इनभल्वमेंट नाला ये जीआरपी पुलिस करूला बर्तन आफ्टर दैट जो क्राइम जीआरपी पुलिस फेल मारा इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया तापर इट विल गो टू द चेज हो गला क्राइम ब्रांच को जो सरकार क्राइम ब्रांच को हाड़ कले आपड़ जब देखिए शब जबत प्रक्रिया हो पोस्टमार्टम रिपोर्टर प्रक्रिया हो जहाँ भी जो साक्षी तार जो बयान जो जो रेकर्ड कर जो साक्षी हो ये सब गुड़ाक केवल जीआरपी पुलिस कर क्राइम ब्रांचर किसी नाला क्राइम ब्रांच बर्तन इन्वेस्टिगेशन करु जिते बड़े स्टाटस रिपोर्टर कथा आसला से क्राइम ब्रांच पाखे केस था क्राइम ब्रांच सबमिट कला तो स्टाटस रिपोर्ट जदि कह जो कथ उपस्थापन करते प्रथम सीसीटीवी भिजुआल सीसीटीवी भिजुआल जो स्पष्ट देखा से आदित्य ना नाई आपते स्पष्ट करूँ कि सीसीटीवी किए अच्छी से उपस्थापन करी देखो आम जी सीसीटीवी कथाटा को आम जब कह आज सीसीटीवी कथा कौन प्रकार आलोचना करना कहीं तार कपी आम पाखे आमको स्टाटस रिपोर्ट में देना और जब आग को स्टाटस रिपोर्ट में आमको सीसीटीवी कपिटा को आमको दिजाव ताहले आमे पुणी तार उपरे आलोचना करू एबे जो जो जिनस गुड़ाक रही से फेस कला भाया आम फिल फिल करें फेस से ना मूल मामला था सीबीआई तदंत भाई सीबीआई तदंत हाइकोर्ट निर्देश देते निश्चित देवे जदि आम आपको गोटे जिनस मुझे कही रखे सीबीआई तदंत जो गोटे तदंत प्रक्रिया जो फेल मारूँ सेते बेले गोटे लोक सीबीआई पाक जाऊँच कि गोटे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चेंज कराया परिवर्तन करदि ये परफेक्टली इन्वेस्टिगेशनटा करें कहीं पिटिशनर आसता अन्य बोले हाइकोर्ट पाक हाइकोर्ट समय नष्ट करी कहीं तार निजर समय नष्ट कर जेहेतु परफेक्टली इन्वेस्टिगेशन हो पारा ना आम आसिल मान्यवर हाइकोर्ट पाखे सीबीआई तदंत कर कि गोटे इंडिपेंडेंट एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करूँ जेहेतु से आम से जो पूर्व जो से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी जीआरपी हो कि क्राइम ब्रांच हो आम जदि मान्यवर कोर्ट को कन्विन्स करूँ जे ये इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया जो चली भूल अच्छी आज्ञा बोली तेणु कोर्ट निश्चित भाव में जजमेंट को देखे निश्चित भाव इट निश्चित निश्चित जदि आवश्यक पड़े आम भावु ये बोली आम 100% होप अच्छे मान्यवर हाइकोर्ट तेणु आम आगे कथ चिंता न करा बेटर आसंता 26 तारीख दिन मामलार परवर्ती शुणा रही है पूर्व आमको मान्यवर कोर्ट को आम रिटर्न स्टेट अफ आर्गुमेंट आफिडेविट मध्यम मान्यवर कोर्ट पाखे सबमिट करा पड़ो निश्चित भाव में जहाँ प्रतिक्रिया शुणुते आईनजीवी से जहाँ कहवा कथा कि प्रतिजवाब दाखल करने कोर्ट निर्देश देते आईनजीवी को और जब कह मामलार परवर्ती शुणा आसंता 26 तारीख दिन हम निवेदिता बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत आपण सूचना तेज जहाँ
आदित्य वकिल जे व्योमकेश त्रिपाठी जहाँ प्रतिक्रिया रखुते से दुईटी कथा उठाई यार मध्य जो साक्षी तीन जन रही है दुईज सिग्नेचर रही आबरी भितर जो जिते पोस्टमार्टम करागला जिते शब को सेठू अणागला से समय मजिस्ट्रेट को उपस्थित रहा कथा कि रखा जाए तेणु कौटना कौटि क्राइम ब्रांच जो रिपोर्ट दाखल कर सरकार तरफ जो रिपोर्ट दाखल करोटना कौटि तालमेल रोनी तेणु परवर्त समय हे तो मामला सीबीआई हाथ को जाई पारे जहां आम प्रतिनिधि विश्वजित आमको पूरा ताजा सूचना देउथिले। तबे मानवप्रेमी आदित्य दास मृत्यु रहस्य परदा उठनथिया बेले सेबडे आदित्य बापा बहु विद्याश्री को नहीं संगीन अभियोग करछन्ती विद्याश्री ही मुख्य दोषी पुआ बीएमसी निर्वाचन पई प्रस्तुत हेउथिबारु राजनैतिक शत्रुता को ताकु हत्या करा जाई थाई पारे तबे पुओर न्याय पई भिक्षा करछन्ती आदित्य माँ पद्मालय दास कहिछन्ती पुओ मद विरोधी अभियान करथला बोली तार हत्या करा जाईछी। 7 जुलाई 2020 रे रेलवे ट्राक रु उद्धार होता आदित्य मृतदेह तेज लिंगराज मंदिर स्टेशन पाखु मिलता आदित्य मृतदेह क्राइमब्रांच तदंत उपरे असंतोष व्यक्त करते कोर्ट जार पुणी थे आज जहाँ सूचना रही कि आसंता 26 रे मामलार परवर्त शुणी हो मो पुर अनेक शत्रु थे मुझे जानी मो पु के थर भिड करी कांदी भिड कर मद विरोधी मो पु सब बेले लड़ूला देश सब आज कोरोना टाइम लोक घर बाहर नाते से टाइम मो पु राशन सामग्री घरे घरे नहीं पहुँचाला असहाय लोक को भात डालवा कर बांटुला लोक भल कम कले शत्रु ना मो पुर अनेक शत्रु थे मुझे से खोजी पाऊनी राजधानी सामने मुख्यमंत्री को ये घटना घटी जाए बड़ गोटे समाजसेवी ये सारा ओडिशा कहते कि कहीं आम मुख्यमंत्री चुप रही गोटे माँ कौन प्रश्न पचार तार अधिकार ना तारीख पर तारीख 7 तारीख पड़ा 25 तारीख पर डेट भी आमको मिललापर बाध्य रास्ता को आम तो बाहर तो हवा तो 15-20 दिन मात्र होता आम से भर झगड़ा झाटी कि देखल ताकू हेला आमे केमिति से जो मास्टर कैंटीन राति सारा रहला बोलकि आमे ताकू संदेह करछु जदि से सुनला पारे जदि आदित्य घरे नै सुनला पारे भी जदि से घर को आसी थांदा कि आम आश्रम को जदि पिला मान थिला आश्रम को जदि पळै आन थांदा आमे भी ताकू डाउट करूनु आमे ताकू से दोषी बोली कहि पारुनु कि निर्दोषी बोली कहि पारुनु सेतबे आमे भी संदेह रे रहजु। नजर पकाइबा आउ एक बड़ खबर उपरे झराफुल मृत्यु रहस्य उठुनी परदा आज अभियुक्त राकेश को नहीं सीन रिक्रिएशन घटनास्थल को नहींता पुलिस किंतु अभियुक्त राकेश स्थान चिन्हट करना फलर सेठारू राकेश को भुवनेश्वर को अणा जाए जहाँ को नहीं बड़ प्रश्न उठू से राकेश निकटू अन्य अपराधी संपर्क में कौन सी सुराग पाई पुलिस मृतदेह निया स्कूटी और सेथिरे राकेश को सहयोग कर संपर्क में कौन सी सुराग मिलना राकेश स्वाई को तीन दिनिया रिमांड में नहीं जेरा करुछि कुआखिया पुलिस। राजधानी रे नकली कोल्ड ड्रिंक्स कारखाना ठाब भुवनेश्वर मंचेश्वर से नकली कारखाना ठाब करा कंपानी रे कोल्ड ड्रिंक्स गुड़िक विभिन्न नामीदामी कंपानी रो स्टिकर लगाई मार्केट को छड़ा जाउथला तबे पुलिस रो स्पेशल स्क्वाड चढ़ऊ कर विपुल परिमाण रो कोल्ड ड्रिंक्स और स्टिकर जबत कर केतेबेळ भितर आमे जहा जानेल पाइछु एटा गोटे इलिगली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थिला इलिगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थिला ए जगह जे कि लोकन को ठकिया लगी सिमिलर ब्रांड रो एग्जैक्ट लोगो लगे कि माने तांकू सेमाने डुप्लीकेट टाइप रो करूथले आउ मार्केट रे तांकू बिक्री करूथले आमे बे वेरीफाई करछु सेमाने एग्जैक्टली को मार्केट एरिया रे सेमाने बिक्री करछन। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज आत्मनिर्भरता को 2020 रो हिंदी शब्द घोषणा करिछे भाषा विशेषज्ञ कृतिका अग्रवाल पूनम निगम महाय एवं इमोगेन फोक्सवेल द्वारा गठित परामर्शदाता कमिटी ए शब्द को चयन करिछन्ते। ऑक्सफोर्ड द्वारा एपरि एक शब्द को घोषणा करा जाय थाए जहां गत वर्ष रे सबुठारु अधिक चर्चित होइतिबो परिस्थिति को प्रतिबिंबित करुथिबो एवं सांस्कृतिक महत्व को धारण करी दीर्घ समय पर्यंत उपयोगी हेबार क्षमता बहन करुथिबो। ऑक्सफोर्ड द्वारा जारी होइतिबा बयान रे कुआ जायछि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना मुकाबला पाई पैकेज घोषणा करने समय आत्मनिर्भरता एवं आत्मनिर्भर भारत उपरे जोर देते यापर आत्मनिर्भर भारत शब्दर व्यवहार भारत में सार्वजनिक शब्दकोश एक वाक्यांश रूप से वृद्धि पाई।
आईएनसी विलेज स्कूल बस्ती पिला प्रधान शिक्षयित्री फेल करदेवा घटना विद्यालय सामने धारणारे बसी छात्र छात्री प्रधान शिक्षयित्री विरोध में विक्षोभ प्रदर्शन सह कार्यानुष्ठान दावी करते तेरे पुलिस धारणास्थल में पहुंची बस्ती पिला जोर जबरदस्त उठावा उद्यम करजकू एक नंबर करने मोह घारी आईआरसी विलेज सरकारी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री को दशम श्रेणी परीक्षा काले खराब नंबर रखिए से 164 बस्ती पिला प्रधान शिक्षयित्री नवम परीक्षा फेल करदे अभियोग आ सरकारी नियम ऊर्धे रही स्कूल प्रधान शिक्षयित्री सुनंदा मेकअप निज स्कूल अजब नियम दीदी कर सबू नियम जदि बस्ती बासिंदा सब पिला पास करती ताले परीक्षा दीदी से पास कराइबे निज स्कूल भल पाठ पढ़ुवा परीक्षार्थी को दशम श्रेणी परीक्षा फर्म फिलअप करने दीदी सुनंदा स्कूल रो अनुमति देते हेले 164 पिला परीक्षा फेल करदे तो शांतिपूर्ण भाव में बसीचु आम कौन भंगारुजा कौन भाउलेन्स किसी या करना पुलिस किए प्रेसर पकुचे कहीं बारंबार ये आसमु उठाई आम तो जाणिना किंतु इश्यू बर्तमान रही कि मैडम धरी बस कि पिला स्कूल आसुन एटेंडेंस इश्यू को से धरी बस तो नियम अनुजाई से कहते 66 एटेंडेंस न रे पिला प्रमोशन करी तेल मुख्य कथा हूँ 66% जो ना से परीक्षा दौले कमी पिला सब 66% थी परीक्षा एलाउ कराई नवम परीक्षा एलाउ पर पुणी प्रमोशन आउट आईन पुणी कौन ये द्वितीय आईन कर मैडम पिला सहित मानते खेल को चाहूँगी पिला केमती कल ह्यूमान कमिशन शुक्रवार अर्डर देला कि पिला से कही जेहेतु से बहुत गरीब पिला बहुत बस्ती आसुँच पिला प्रमोशन कर दि से बाबद से कही तथापि से मूर जो ह्यूमान कमिशन जो अर्डर को तोड़ मोड़ करी से कौन ना 44 जन पिला सुधा राजी होती कि 44 जन पिला पास करदेवि प्रमोशन करदेवि अन्य पिला 120 पिला प्रमोशन करी कहीं अटेंडेंस असुविधा अच्छी जदि अटेंडेंस असुविधा अच्छी तरह नवम परीक्षा देने केमी दीर्घ दिन धरी बंद रही कॉलेज पुणी खोल पाठपढ़ा आरंभ हो फेब्रुआरी 10 रु खोल पीजी और युक्त 3 रो प्रथम वर्ष क्लास 8 तारीख रु हॉस्टल रहिबाको अनुमति मिल यूजी कोर्स तृतीय सेमिस्टर एवं तृतीय वर्ष यूजी कोर्स पंचम सेमिस्टर परीक्षा 19 रु 30 एप्रिल होपर 31 मे रे परीक्षा फल प्रकाश पाइब पीजी प्रथम सेमिस्टर परीक्षा 7 जून रु 19 जून पर्यंत हो 20 जुलाई सुधा प्रकाश पाइब रिजल्ट श्रेणीगृह और हॉस्टल रे कोविड नियमावली बलबत्तर रहिबो गाइडलाइन अनुजाई आरंभ हेबो पाठ पढ़ा मास्क बाध्यतामूलक सह श्रेणीगृह लाइब्रेरी एवं परीक्षागार रे 6 फुट रो सामाजिक दूरता रखा जिबो एने उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जायछि सेहिपरि हाथ धोइबा और सानिटाइज मध्य बाध्यतामूलक रहिबो आसंता फेब्रुआरी 10 तारिख रु पीजी पार्ट 1 क्लास आरंभ हेबो एवं प्री फाइनल ईयर मध्य आसंता फेब्रुआरी 10 तारिख ठारु आरंभ हेबो तेणु हॉस्टल सब 8 तारिख ठारु खोला जिवो एवं जहाँ कोविड गाइडलाइन अछि से नियम पालन करी ए समस्त क्लास चलिवो तापरे यूजी कोर्स रो थर्ड सेमिस्टर और 4 वर्ष यूजी कोर्स सेमिस्टर परीक्षा 19 एप्रिल 2001 रु 30 एप्रिल 2021 मध्य अनुष्ठित हो 31 मे 2021 सुधा फल प्रकाश पाइब पीजी प्रथम सेमिस्टर 7 जून 2021 रु आरंभ हो 19 जून 2021 मध्य अनुष्ठित हो 20 जुलाई 2021 सुधा फल प्रकाश कर हाईकोर्ट रे पहुंचला नेताजी बस टर्मिनाल बिवाद कटक खानगर ठारे 12 एकर जमी उपरे निर्माण हेबाकु थिबा नेताजी बस टर्मिनाल रो 3 एकर जमी को नै हाईकोर्ट रे पिटीशन दायर होइछे खानगर स्मशान कालिंग 3 एकर संपत्ति उपरे स्थितावस्था जारी करिसेंती हाईकोर्ट मांग संपत्ति को सुरक्षा करबाकु नै रंजन कुमार साहू एवं अन्य 3 जनक पक्षरु हाईकोर्ट रे मामला रुजु होइथिला परवर्ती शुणी पर्यंत कौनसी कार्यानुष्ठान नहीं पारे ना सरकार ए मामलें मुख्य शासन सचिव आरडीसी एंडोमेंट कमिश्नर कटक जिलापाल सीएमसी कमिश्नर और सदर तहसीलदार को पक्षभुक्त कर देखते आज माँ स्पंसन काली मंदिर जोटि की विजु नेताजी बस टर्मिनाल होगा जाऊँगी तार 3 एकर संपत्ति टोटाल थिला 3 एकर संपत्ति बैकुंठनाथ बाबा अंत माँ खुलणमाता
ହେଲେ ହେରିଟେଜ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ସେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସୁଟ୍ରେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁଟ୍ରେ ମାଙ୍କ ଜିତିଥିଲେ ବକୁଳନା ଦେବୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ସ୍ମଶାନକାଳୀଙ୍କ ଅନ୍ଧିରରେ ଥିବା ତିନି ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସିଭିଲ ଡିଭିଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଇଥିଲେ ଅପିଲ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ। କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନାମରେ ମାଙ୍କର ତିନି ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିକି ଜବରଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ପିଟିସନର, ସେମାନଙ୍କ ମକଦ୍ଦମାର ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୁ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍କେ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଇଜଲାସରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁର ଥାନା ଦେଓଗାଁ ସେବା ସମବାୟ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଧାନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳକା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। କଟକ ଶିଖରପୁର ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟରେ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଯୁବକ ଜଣକ ଫୋନ୍ରେ ଗପି ଗପି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଆର୍ପି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ପଠାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଗାଲୋ ବୁଡୁନିଠାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ ଚଳାଇ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ପୋଲିସ କାର୍ଟିକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଡେଗାଲୋ ବୁଡୁନି ନିକଟରେ କାର୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଫିଆମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରୁ 54.6 kg ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତକାଲି ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ସନ୍ତକ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସକାଳେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବସ୍ତାକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗଦଲପୁରର, ତେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 24 kg ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୁରୁନାଥ ଛକରେ କିଛି ପିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପିଲା ଚାରି ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ୟେଲୋ କଲର୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେମିତି ଖବର ମିଳିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କଲୁ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଆମ ଅଲଗା ନିଜ ସୋର୍ସରୁ ଫଳରେ ଏଇଟା ସତ ଖବର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ଆଇସି କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେ ଜିତୁ ନାୟକ ପଣ୍ଡରେ, ସବୁ ଛୋଟ ଜିତୁ ନାୟକ ପଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ସବୁ ଗଲେ ସେଠି ରେଡି ଗଲେ ସେ ଜାଗାକୁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଆସକୁ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାହେଲା ସେ ସ୍ପଟରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆହେଲା। 250 ଏଠି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଯାକ ଆମର ଏଡିଭିଏସ୍ ଆକ୍ଟ ସବୁଯାକ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଫଲୋ ହେଲା, ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ ସିଜର୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଜିନିଷ ସବୁଯାକ ସିଜ ହେଇକି ଅଣାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରାହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ର ଚାଷ ହେଉନଥିବା ପଥୁରିଆ ଜମିରେ ଏବେ ଫଳୁଛି ଜାତି ଜାତିକା ଫସଲ। ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ଏଭଳି କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ଚାଷୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ହରିଚନ୍ଦନ। ଜମିରେ ନାଳ କରି ମଡ଼ାଯାଉଛି ପାଣି, ଘାସ ବଛା ଓ କୋଡ଼ା ଖସା କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ଜମି ମାଲିକ ହାତରେ ମିନି ଟିଲର ଧରି ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ।
କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଫଳିଛି ଜଙ୍ଗଲିଆ ପଥର ମାଟିରେ। ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା କଖାରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି ଏକଦା ଟାଙ୍ଗରା ଥିବା ଏହି ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ। କଲରା ଓ ବିନ୍ସ ଫସଲକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତାର ଓ ବାଉଁଶ ବତାରେ ଭାଡ଼ି କରି ନିଆଯାଇଛି ଯତ୍ନ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ ଟମାଟର ଏଭଳି ଆନ୍ତ ହୋଇ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ହରିଚନ୍ଦନ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ନିଜର 7 ଏକର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ 17 ପ୍ରକାରର ଫସଲ କେବଳ ଫଳାଉ ନାହାନ୍ତି ବରଂ 7 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ କଲରା ମୂଳା ଲଙ୍କା ଗୋଧି ତାପରେ ପୋଟଳ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଖାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଖାଇ ପିଇକି ମୋତେ 6,000 ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାମ ଦାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆସିକିରି ଘାସ ବାଳ ଇଏ କରି ସବୁ ବଛାବଛି କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଫସଲ କୁଡ଼ା କୋଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକା ବାଇଗଣ ପିଡ଼ା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା କୁଡ଼ା କୋଡ଼ି କରି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏହି ଜମି ସବୁ ଦିନେ ଥିଲା ଲତା ଓ ବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ହେଉନଥିଲା ଚାଷ। ଏଥିରେ ଯେ ଫସଲ ଫଳିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ। ଏକା ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଫସଲ ଲଗାଇଲେ ଯାହା ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯେତିକି ଅମଳ ହେଉଛି ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ଉଠିଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାଷୀ। ମାଟି ହେଉଛି ମା, ମା ସହିତ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିକି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିକି କରୁଛି ଆଉ ଚାଷ ଉପରେ। ଗୋଟେ ମୋର ଆଜ୍ଞା 7 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ନିଜେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛି ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କିଛି ମିଳିନି, ଯଦି ମିଳିବ ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଉ। କୁହାଯାଏ ଅକର୍ମାମାନେ ଭୂମିର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଓ ରୋଗୀମାନେ ଜଳର, ହେଲେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ଚାଷୀ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିକୁ ସବୁଜିମାର ରୂପ ଦେବା ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ସବୁଠି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠୁ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।